प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। गोरखपुर की आबकारी विभाग ने राजघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमरूतानी में दबिश देकर तकरीबन 25,000 किलोग्राम लहन बरामद किया है और 350 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद हुई है। आबकारी विभाग के द्वारा ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह तड़के 5 बजे आबकारी विभाग ने सूचना के आधार पर राप्ती नदी के किनारे राजघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले अमरूतानी में दबिश दी। इस दौरान आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी, सुरेश मिश्रा, अरविंद मिश्रा, ज्ञान प्रताप सिंह और हृदय राम सहित कई आबकारी निरीक्षकों ने टीम बनाकर संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी विभाग के द्वारा इस कार्रवाई को करने के लिए नगर निगम के सहयोग से 2 JCB भी लगवाई गई थी ताकि बरामद की गई लहन और अवैध शराब को नष्ट किया जा सके। 25,000 किलोग्राम लहन की बरामदगी आबकारी विभाग की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। विभाग के द्वारा पिछले कई दिनों से इस प्रकार की कार्रवाई होती आ रही है जिसने बरसात के बाद अवैध शराब कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। इस दौरान आबकारी नहीं एक पिकअप भरकर अवैध शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। राकेश त्रिपाठी ने बताया कि सुबह घर में आबकारी कीटी में संयुक्त रूप से घेराबंदी करके राप्ती नदी के किनारे अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों के ऊपर धावा बोला गया। इस दौरान आबकारी ने 2 JCB भी अपने साथ लगाई हुई थी ताकि अवैध शराब कारोबारियों द्वारा उनके ठिकानों पर जमीन नीचे खोदकर रखी गई लहन का पता भी लगाया जा सके और उसे नष्ट किया जा सके। बरसात के मौसम के खत्म होने के बाद राप्ती नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार फलने फूलने शुरू हो जाते हैं। राजघाट, रामगढ़, ताल सहित अन्य थाना क्षेत्रों में नदी के किनारे अवैध शराब के व्यवसाय जोरों पर चलते हैं। ऐसे में आबकारी अपनी सूचना के आधार पर इन ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई में लगा हुआ है। अधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रभावी प्रदर्शन कार्य किया जा रहा है, उसी के क्रम में जो है आज की भी कार्रवाई हुई है। आज हम लोग सुबह 5:30 बजे से थाना राजघाट के अंतर्गत चक्रा व लमुरतानी का क्षेत्र है, ये यहाँ पर दबिश की कार्रवाई की जा रही है। दबिश के लिए जो है नगर निगम के सहयोग से 2 JCB की भी मदद ली जा रही है जिससे जो है जमीन के अंदर जो काफ़ी गहराई में जो लहन है गाड़ के रखा गया है उसको नष्ट किया जा सके। सुबह से जो है हम लोग 25,000 किलोग्राम के आसपास लहन नष्ट कर चुके हैं। 5 बोरों में लगभग 350 लीटर शराब बरामद हुआ है और दबिश की कार्रवाई जो है अभी भी जारी है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।